क्वारंटाइन सेंटरों पर अराजकता के खिलाफ आक्रोश थमता नहीं दिख रहा है। लगातार सेंटरों से शिकायतें मिल रही है। बंदरा प्रखंड के नुनफारा से क्वारंटाइनियों ने शिकायत की है कि यहां अराजकता के माहौल है, कुव्यवस्था है। नाराज लोगों ने आज इसके खिलाफ नारेबाजी भी की। पहले मुखिया के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया गया, इसके बाद मुख्य सड़क को जाम कर आक्रोश का इजहार किया गया। कार्रवाई की मांग की गई, अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची थी। इन्हें आश्वस्त किया गया कि आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके बाद ये लोग मान सके। लेकिन आखिर इस आक्रोश की वजह क्या है, यह जानने की हमारी कोशिश। ए टू जेड न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए क्वारंटाइनियों ने अपने आक्रोश का इजहार किया। अंदर की बात बताई, आक्रोश के पीछे की बात बताई, क्या कुछ बताया जरा आप भी सुनिए। कल एक कल पे 50 आदमी है, कल नहीं है, खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। टंच कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 8 बजे रात में कोई खाने का, चाय कभी दूध नहीं है तो कभी चीनी नहीं है। सर हम लोग तबाह होके मुखिया के पास गए हैं। मुखिया कहता है कि से नहीं मिलता है तो जाओ अपना अपना घर जाओ, भागो। तब अभी सीओ साहब आए हैं तो बोले सीओ साहब चलिए हम सब चीज़ व्यवस्था करते हैं, आप लोग स्कूल में चलिए। वहाँ परेशानी है जो रात में लाइट कट गया तो जनरेटर चालू नहीं हुआ, पूरे भर रात में पूरा परेशानी हुआ। और उसमें बोला जनरेटर वाले के तो इसमें जनरेटर चलाने के लिए तो कहता तेल नहीं है, मुखिया तेल ही नहीं दे रहा है। चाय का होता है टाइम 5 बजे 6 बजे, 7:30 बजे खाना के टाइम में चाय देता है, न पंखा है एक भी। 8 बजे चाय देता है खाने के टाइम में, पंखा एक भी नहीं, न साफ सफाई, न सैनिटाइजर है, दवाई उवाई कुछ नहीं मरवाता है। दिया है सर्फ, सर्फ के पैकेट तो एक कॉल है, बाल्टी तो मिला है, बिछावन एक चादर के तीन टुकड़े में काटा गया है। परेशानी हमको यहाँ बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे कि नहीं तो हमका मिला अभी हाथ धोने का वो ताकत ना, यहाँ पर जैसे पानी का व्यवस्था है, एक पचास आदमी नहाता धोता है, पानी पीता है। सुनते मुखिया कहता के बारे में, मुखिया के बारे में हम हरियाणा से आए हैं। कितनों दिनों से आप यहाँ पे हैं? हमको यहाँ पे हो गया 9 दिन हो गया। किंडर पढ़ाते हैं वहाँ, पूरा चारों साइड से जंगल, बहुत सारा कीड़ा आता है। जब लाइट चलता है तो रात में कीड़ा, आपको कोई पंखा की व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, देखते हैं काट काट के सब हो गए लाल लाल कर दिया। देखते हैं पूरा सांप उप सब आता है, बहुत व्यवस्था कुछ नहीं है। मुखिया का तो बोलता है उसको कहो उसको कहो, कोई व्यवस्था कोई ऐसा कुछ नहीं, घर चले जाओ। अभी बोलते हैं गए बोला घर चले जाओ, मुखिया जी को फोन करते कोई व्यवस्था के लिए तो बोलता है घर चले जाओ। घर जाएंगे तो थाना पर भाई सब ना घर पहुँच जाएगा लाने के लिए हम लोग को। ये देखिए क्या हुआ, मच्छर काट काट के पता नहीं कौन किया है, क्या है पता नहीं, मुंह में पूरे कोई सुविधा तो बीमारी नहीं फैलेगा। आप कहाँ से आए थे? कोलकाता से। कितने दिन पहले आप यहाँ आए? एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते में कोई एक बार दवा भी नहीं मरा है, न कुछ दे रहा सैनिटाइजर, साबुन दिया है, सरफ दिया है, आलू दो टाइम मिलता है, खाली चावल। जैसे सब्जी उब्जी में क्या स्थिति है? यहाँ पर रहने के लिए घर में तो रहने नहीं देगा, कहीं तो सेफ्टी चाहिए ना। यहाँ पे जब आया सेफ्टी में तो कुछ भी यहाँ पे सुरक्षा नहीं है। और पहली बात है कि ना तो सैनिटाइजर दिया, ना मास्क दिया, कुछ भी नहीं दिया, और ना बिस्तर उस्तर, तो 4-5 दिन हम लोग को कुछ दिया ही नहीं। उसके बाद जब मुखिया है, हम लोग 4-5 दिन में एक बार भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं आए। उसके बाद आज हम लोग जब बुरा पे गया उसका देखने के लिए, बात करने के लिए, तो बोल रहा है तुम लोग अपना अपना घर चले जाओ, कुछ भी नहीं हो सकता मेरे से, तुम लोग जिता करके एहसान कर रहे हो, ये कर रहे हो, अगला वर्ष हमें मुखिया में नहीं जीतने गए, तुम लोग का कुछ भी सुनने के नहीं है, जाओ जो करना है कर लो। यहाँ पे मास्टर भी वही बोल रहा है, जो करना है कर लो, हम अपना घर से खिला रहे। प्रखंड का सीओ आया, सीओ बाद में आया, जब इतना हल्ला हंगामा होने के बाद आया, वो भी ऐसे ही बोला कि करेंगे करेंगे बोल करके। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह। चारों पास जंगल लगा है, नीचे आप सब तरह इतना कीड़ा काट कर खा रहा है, रात का बहुत दिक्कत हो रहा है। जंगल में लगकर रख दिया है ना, कोई चीज पानी का साधन है न, पंखा का साधन है, कुछ का साधन है। प्रखंड से कोई आते हैं तो वो भी वो आते हैं तो कहते हैं मुखिया के बोलिए। जांच के लिए कोई अधिकारी आए कि नहीं? अभी तो कोई जांच में नहीं आया। जैसे मेडिकल टीम? नहीं जी, कोई भी नहीं आ रहा है। क्या नाम हुआ? सोगार्थ राम, पंजाब से। कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? हम चाहे 4 दिन हो गए। परेशानी आ जाए, यहाँ खाना पीना ना मिले, मच्छर कटे, सांप रात कटते रहे बच्चा सके, आ गेल है दूरा बता आपको से हमको कोई माने मतलब नहीं है, जाइए अपना अपना घर। कौन बोले हैं? बोले हैं मुखिया, मुखिया का मोदी बोला है जे अथी वीडियो कॉल करिए, घर लूटने आया है, थाना में फोन कीजिए।
एक रुपया वाला सौरभ दिलक सामन पाँच रुपया वाला दिलक एगो मच्छरदानी है या बाल्टी विनीता देवी परेशानी है जो की यहाँ मेरा लड़का जो है भर्ती हुआ देख रहे हैं उसके बाद में जंगल झाड़ था वो बोले साफ सुथरा करने के लिए तो मुखिया बोला कि जा होगा ना उसका थोड़ा जंगल साफ करवाया साफ करवाने के बाद खाना पीना उसको नहीं दे रहा है तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये तो यहाँ से बजियापुर चौक पर गया खाने के लिए रोजा रहता है वहाँ गया खाना खाने के लिए तो वह खाने के लिए कुछ मिला भी नहीं लेकिन फिर भी कुछ भी सिंगा तिंगा लेकर के कहा तो खा करके आया घर पर मुखिया कहता है कि हमारे बस का नहीं है सीओ समझे सीओ जो है सीओ मतलब कैसे करता है मास्टर हेड मास्टर वैसे करता है खाना उससे मांगिए या क्या देगा नहीं देगा उसके बाद में कल ऐसा हुआ है जो कि खाने के लिए कोई उपाय नहीं खाली सोयाबीन सारा हुआ लाता है आलू बताइए कि आलू सोयाबीन सारा हुआ चावल देता है खाने के लिए मरीज और बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा और कहते हैं मुखिया के तो मुखिया कहता है जाइए सीओ के कहिए वीडियो के कहिए जाइए थाना जाइए आप लोग से कोई मतलब नहीं है क्या होगा नहीं होगा हम लोग नहीं जानते वार्ड नंबर 4 की परेशानी सब कहिया कचरा मिले तो रख देले कचरा में मुखिया जी के कहे मुखिया के हम लोग जन मुखिया जी के ओहे लगे जिताएल गेले जनता के पंजाब से आके यहां देखे छी जे परेशानी पड़ल है बाथरूम करे जे चोर में जाय छै बीमारी फलते कि ना फलते बच्चा सब कैसन हो गेले घर के 4 दिन में निशा देवी किस पंजाब से है मुनखरा पंचायत से वार्ड नंबर 10 नंबर परेशानी रहे जिस दिन से रखे है माने समझी जी ना मच्छरदानी मिला था ये दो दिन के बाद मच्छरदानी मिला है मुखिया के भैया जाते हैं तो कहते हैं हमको मत बोलो हमको जनता से कोई मतलब नहीं है कोई अधिकारी अब तक नहीं है।